नारनौल में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस के सम्मेलन का आयोजन किया गया। सिसाई गांव के अंदर आयोजित सम्मेलन में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ग्रामीणों को संबोधित किया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोगों की आवाज उठाई है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी ने किसानों पर अत्याचार किया और संसद में किसी ने आवाज नहीं उठाई। दीपेंद्र ने दावा किया कि वो अकेले थे जिसने संसद में किसानों की आवाज उठाई। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये बीजेपी की साजिश का हिस्सा है और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। वहां पर भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। सिसाई गांव के अंदर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मैंने संसद में आवाज उठाई तो मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। धनाना गांव के अंदर कार्यक्रम का आयोजन अब किया गया है। वहां पर भवानी खेड़ा में पहुंचेंगे सांसद दीपेंद्र हुड्डा। अब से कुछ ही देर बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा भवानी खेड़ा पहुंचेंगे। भवानी खेड़ा में भी आज हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत एक आयोजन किया गया है जिसमें कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम करेगी। दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कार्यक्रम होगा। दीपेंद्र हुड्डा आपसे कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में पहुंचने के बाद एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद भवानी खेड़ा गांव पहुंचने वाले हैं और दीपेंद्र हुड्डा के पहुंचते ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो कार्यक्रम का हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचेंगे भवानी खेड़ा जहां पर कांग्रेस के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।